हेलो दोस्तों स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस टॉपिक को लेके पिछले दो हफ्तों से पूरे देश में इतनी विचार विमर्श चर्चा डिबेट्स एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना बहुत सारी चीज़ें हो रही है टीवी पे न्यूज़पेपर पे मीडिया पे ट्विटर पे तो बेसिकली आपको कई लोगों ने बता भी दिया होगा यूट्यूब पर अभी तक कि यू क्या होता है इसके क्या फ़ायदे नुकसान है क्योंकि ट्रेंडिंग था टॉपिक देखिए मेरा मकसद ये है कि आपको ये समझाना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कुछ इश्यूज हैं और उन इश्यूज को किस तरीके से हमें समझना होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर मैं एक वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूं तो बहुत मिनट्स लग जाएंगे फ्यू मिनट्स में वो नहीं होगा तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को एंटायरली डिस्कस करूं इंक्लूडिंग कि इसके फ़ायदे नुकसान चैलेंजेस ये सब तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ एंड दैट इज पर्सनल लॉज दोस्तों हमारे देश में कानून तो हैं और हम जानते हैं कि बेसिकली हम डिवाइड करते हैं कानून को या लॉ को दो हिस्सों में एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल सिविल लॉ की भी एक सब कैटेगरी होती है जिसको हम पर्सनल लॉ के अंदर रखते हैं हम ये जानते हैं कि हमारे देश में बहुत अलग अलग समाज रहते हैं रिलीजियस बिलीफ्स के लोग रहते हैं और क्योंकि हमारा समाज एक सेकुलर समाज है इसलिए हर बिलीफ के लोगों को उनके समाज के रूल्स रेगुलेशन कस्टम्स प्रैक्टिस और पर्सनल लॉज के हिसाब से अपने एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने की आज़ादी है ये पर्सनल लॉज जो उनके खुद के बनाए गए भी हो सकते हैं लेकिन अगर वो लॉ है इन द टर्म ऑफ पर्सनल लॉ इफ इट इज़ अ लॉ दैट मींस इट मस्ट बीन मेड बाय द आइदर द पार्लियामेंट बाई द स्टेट लेजिस्लेचर वाई बिकॉज पर्सनल लॉ इज अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द सेवन शेड्यूल इसका मतलब जानते हैं ना सेवेंथ शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर कानून बनाने की पावर लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है दोनों स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज पार्लियामेंट के पास खैर बहुत सारे पर्सनल लॉज इंडिया में गवर्न करते हैं फैमिली रिलेशंस या फैमिली इश्यूज को फैमिली इश्यूज जैसे कि मैरिज जैसे डिवोर्स इनहेरिटेंस, अडॉप्शन इन सभी मामलों के अंदर या फैमिली पारिवारिक मामलों के अंदर जो लॉज अप्लाई होते हैं उन्हें पर्सनल लॉज कहा जाता है हर एक रिलीजन के अपने पर्सनल लॉज हैं कुछ रिलीजन के अपने पर्सनल लॉज कोडिफाइड नहीं है जैसे ज्यूज़ के भारत में कोई पर्सनल लॉज नहीं बने हैं बट इफ़ यू सी द रूल बुक्स और द लॉ बुक्स देर आर सेवरल लॉज बोथ प्री इंडिपेंडेंस एज वेल एज पोस्ट इंडिपेंडेंस कुछ कानून आज़ादी से पहले वाले भी हैं जो ब्रिटिश इंडिया में बने थे और कुछ कानून आज़ादी के बाद भी है फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट जो है 1800s का बना हुआ है मुस्लिम शरीयत लॉ जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं वो 1937 का बना हुआ है तो कुछ कानून प्री इंडिपेंडेंस वाले भी हैं और कुछ पर्सनल लॉज जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू अडोप्शन एक्ट ये वाले सारे जो इनहेरिटेंस एक्ट ये जो एक्ट है ये हिंदूज के लिए अलग बने हुए हैं खैर मेरी बात का ये मतलब है कि बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं और इन पर्सनल लॉज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल 44 है जो ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट की यह पॉलिसी होनी चाहिए कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए कहने का तात्पर्य या मतलब यह है कि वट एवर डिफरेंट पर्सनल लॉज हैव पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन कस्टम्स फॉर डिफरेंट रिलीजन्स दैट कुड बी मेड यूनिफॉर्म इन अ लिबरल इंटेलेक्चुअल सोसाइटी उसे यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है ऐसा संविधान बनाने वालों ने सोचा और आर्टिकल 44 के रू, रूप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया ये भी दोस्तों आपको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसबल नहीं होती दैट मीन्स दे कैनॉट बी एन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ सो फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल 44 के अंदर सरकार ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनाया जिसके अंदर उनने सभी रिलीजन के पर्सनल लॉज को एक कोड के अंदर अप्लाई नहीं किया तो हम कोर्ट में जाके ये कह नहीं सकते कि सर कोर्ट प्लीज़ गवर्नमेंट को ये निर्देश दी दी दे दीजिए आदेश दे दीजिए ऑर्डर दे दीजिए दैट दे शुड मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड यू कैन नॉट गो एंड एनफोर्स इट अनलाइक फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स अगर आप देखोगे उसमें ये बात बहुत गहराई से डिस्कस की थी कि हमें यूसीसी को डीपीएसपी में डालना चाहिए या फंडामेंटल राइट right में क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट right में डाला होता तो फिर ये जस्टिसेबल होता खैर हम ये देखते हैं कि 14 जून 2023 को ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इसके चेयरपर्सन है ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं अपनी वेबसाइट पे और एक महीने के लिए टाइम देते हैं लोगों को दैट वी वांट टू हैव अ पेपर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड प्लीज अपने अपने जो इनपुट्स हैं डिस्कशन पेपर्स हैं आप हमें सबमिट कर दीजिए एक महीने का वक्त इन्होंने दिया हुआ है वो एक महीने का वक्त अभी चल रहा है उसके दो हफ्ते बाद प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ही रेजेज द पिच फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया

नाउ व्हाट आर द प्रोज कॉन्स चैलेंजेस क्या इश्यूज हैं ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला लेकिन मैंने आपसे पर्सनल लॉस के बारे में डिस्कस करना है क्योंकि इन्हीं पर्सनल लॉस को कोडिफाई करने के लिए ये यूसीसी लाया जाएगा अब पर्सनल लॉस की बहुत इश्यूज हैं जिसमें से दो मेजर इश्यूज हैं एक है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है उनका जेंडर बायस तो कई सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो शायद इंडिया के सभी पार्ट्स में लगते भी नहीं हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट सो फॉर एग्जांपल अगर हम शरीयत एक्ट ऑफ 1937 की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो काफ़ी समय पहले तक लगता था लेकिन कुछ समय पहले वो रिपील कर दिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगेगा एंड देयर ओन कस्टम्स वर और देयर ओन प्रैक्टिस व गवर्न बाय देयर ओन कस्टमरी लॉज कस्टमरी लॉज मतलब कि किसी लेजिस्लेचर ने यह पास नहीं किया है इसी के साथ साथ अलग अलग मुस्लिम्स की भी बात करूं तो वेस्ट बंगाल बिहार के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल रहती है असम के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑप्शनल है तो यू कैन आइदर रजिस्टर और नॉट रजिस्टर अ मैरिज कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिगुटी देखने को मिल रही है हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर डिवोर्स डिवोर्स जो है वो तभी अलाउ किया जाता है जब हस्बैंड और वाइफ लास्ट एक साल या उससे ज्यादा सेपरेट रहे हों क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के अंदर क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के अंदर जो मैरिज होती है वो डिसॉल्व होती है आफ्टर टू इयर्स। तो ये वेरिएशन है. है तो हस्बैंड वाइफ ही लेकिन अलग अलग धर्मों में अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग लीगल प्रैक्टिसेस हैं पर्सनल लॉ की वजह से इनफैक्ट मैं एडल्ट्री की बात करूं तो क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट में एडल्ट्री को लेके विमेन और मेन के अलग अलग रूल्स हैं एडल्ट्री समझते हैं अगर आपका पार्टनर किसी और से संबंध बनाता है तो उसे एडल्ट्री कहते हैं नाउ इन क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट नाइन्टीन सेंचुरी का एक्ट है उसके हिसाब से अगर विमेन दे अक्यूज द मैन ऑफ एडल्ट्री ऑन दैट बेसिस दे के नॉट गेट अ डिवोर्स उसके साथ उनको कोई और भी ग्राउंड एड करना पड़ेगा लेकिन मैन मैन कैन लेबर द लेबल द वुमेन एज एडल्ट्रेस एंड सीक डिवोर्स ऑन दैट ग्राउंड सीक डिवोर्स ऑन दैट ग्राउंड ये डिफरेंट है एडल्ट्री की क्रिमिनलाइजेशन से उससे मत कंफ्यूज होना एडल्ट्री इज नो लॉन्गर अ क्राइम ठीक है मतलब जेल नहीं जाना पड़ेगा लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड तो हो सकता है कहने का मतलब हर धर्म के अंदर ये अलग अलग चीजें जो हैं देखने को मिलती है मुस्लिम लॉ के अंदर वेरी फेमसली अंटिल देयर मैरिज तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है या जो वेरिएशन है ये बहुत ज्यादा देखी गई है इनहेरिटेंस के मामले में भी हिंदू हिंदू डॉटर्स के जो अधिकार थे उसको भी धीरे धीरे करके ही प्रोवाइड किया गया है बट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम हिंदू वेमेन हैव और हिंदू डॉटर्स हैव एन इक्वल राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वेर एज मुस्लिम डॉटर्स हैव जस्ट अ राइट ऑफ वन हाफ ऑफ दैट ऑफ द सन तो आप यह समझें कि अभी भी जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिलती है बहुत सारे लॉज के अंदर अब यही चीज अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू ठीक करना चाहते हैं या रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं उसके ऊपर ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन का यह कहना था ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन का ये कहना था दैट वी शुड नॉट डू इट बाय वन सिंगल यूनिफॉर्म सिविल कोड वी शुड डू इट ऑन अ केस केस बाय बेसिस ठीक है एक एक करके हर एक पर्सनल लॉ उठाओ उसको एनालाइज करो उसके ऊपर कमेटी बिठाओ और उसमें जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है उसे खत्म करो कुछ इस तरीके की ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन की सोच थी ये जो प्रेजेंटली लॉ कमीशन है ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ये इसे दोबारा रीलुक करना चाहता है ठीक है एक और इश्यू आता है कि ट्राइबल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जिनकी कोडिफिकेशन भी नहीं हुई है क्या वो यूसीसी के अंदर आएंगे दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन आस्ट एंड आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस लार्जर क्वेश्चन अबाउट यूसीसी आई एम ओनली हेयर टू डिस्कस वन क्वेश्चन क्या जो पर्सनल लॉज है जो पर्सनल लॉज है क्या उनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में सेइंग दैट दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स क्या कोई पर्सनल लॉ अगर किसी फंडामेंटल राइट right को वायलेट कर रहा है तो क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर इस बात का जवाब ढूंढेंगे हम और आप मिलके इस बात के लिए सबसे पहले आपको आर्टिकल थर्टीन समझना होगा किसका संविधान का संविधान का आर्टिकल थर्टीन सर यह कहता है दैट ऑल लॉज ऑल लॉज विच आर कंसिडर्ड टू बी इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिक्लेय एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड कैन बी डिक्लेयर्ड एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड तो अगर आप कोई ऐसा कानून बनाते हो जिस कानून के थ्रू आप किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हो तो वो वाला पार्ट जो है कानून का जो किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा होगा उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी इनवैलिडेट कर देगी अनकिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी ठीक है सो द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे अवेज इज द राइट कंफर्ड बाय फंडामेंटल राइट नाउ द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम इज ऑल दो लॉ की डेफिनेशन में ये सब आ रहा है क्या ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और यूजेज ठीक है बट क्या पर्सनल लॉ इस डेफिनेशन में आ रहे हैं ये सवाल ये सवाल आता है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास इन नरसू अपा माली केस 1952 बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है इसे आप साइट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर या आप इसे समझने की कोशिश करें इस तरीके से कि बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक केस आता है जिस केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट देता है दो जजिस का बेंच है दो जजिस का बेंच है और यह दो जजिस का बेंच कहता है कि पर्सनल लॉ को आर्टिकल थर्टीन में लॉ की डेफिनेशन में नहीं डाला जा सकता दे कैनॉट पुट पर्सनल लॉ इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल थर्टीन इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी पर्सनल लॉ को इस बेसिस पे जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है एंड दिस जजमेंट वॉज गिवन बाय अ टू जज बेंच चीफ जस्टिस एम सी चागला एंड जस्टिस पी बी गजेंद्र गाड़कर जी ने इन्होंने यह कहा और इनके आर्ग्यूमेंट बड़े इंटरेस्टिंग हैं इन्होंने यह कहा कि पर्सनल लॉ को हम कस्टम या यूजेज की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते कस्टम यूजेज यहां पे देखा था ना आपने कस्टम या यूजेज देखा था क्यों क्योंकि इनके हिसाब से अगर कोई पर्सनल लॉ है तो वो कस्टम और यूजेज नहीं है वाई कस्टम और यूजेज इज समथिंग दैट इज अपार्ट फ्रॉम द रिटर्न स्क्रिप्चर्स कस्टम यूजेज इज अपार्ट फ्राम द रिटर्न स्क्रिप्चर्स इट इज डेविएशन फ्राम द रिटर्न स्क्रिप्चर्स इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर रिटर्न स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चर्स ऑफ द रिलीजन इसलिए हम उसे पर्सनल लॉ नहीं मानेंगे पहली बात और दूसरी बात जज, जज साहब ये कहते हैं कि अगर कि अगर पर्सनल लॉ को इन्होंने डेफिनेशन में रखना ही होता तो ये इसे लिख देते

कि सर बॉम्बे हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट है कि पर्सनल लॉज लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते दूसरा केस जो डील करता है पर्सनल से वो है शाहबानो बेगम केस ऑफ़ 1985। नाउ दिस केस बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ टू ईयर ओल्ड वुमन वेरी फेमस केस ऑफ नाइनटीन एटीज सिक्सटी टू ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमन शाहबानो जिन्होंने 1980 78 के अंदर अपने हस्बैंड के खिलाफ पिटिशन फाइल की उनकी डिमांड यह थी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज क्रिमिनल लॉ बट इट टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू फैमिली ठीक है एंड कंपनसेशन इंक्लूड कंपनसेशन टू एन एस्ट्रेंज वाइफ ठीक है तो शाह बानो जो है वो अदालत जाती हैं और क्लेम करती हैं कि मुझे सीआरपीसी की धारा नंबर 123 के अंदर अपने लिए मेंटेनेंस चाहिए क्यों क्योंकि शाह बानो जी के हस्बैंड ने शाह बानो जी के हस्बैंड ने उन्हें इिवोकेबल तलाक दे दिया था यानी डिवोर्स दे दिया था जिसको अब रिवोक नहीं किया जा सकता क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर ऐसा अलाउड नहीं था शाह बानो के हस्बैंड ने पहले ही उन्हें एक अलग रेजिडेंस में जाने के लिए भी कह दिया था क्योंकि उन्होंने पहले ही दूसरा विवाह कर लिया था दूसरी शादी कर ली थी विच इज अलाउड एज पर द मुस्लिम पॉलिगमी और मुस्लिम पर्सनल लॉ नाउ वेंट टू कोर्ट एंड सेड कि मेरे पांच बच्चे हैं मुझे कंपनसेशन चाहिए अब जो ये सेक्शन 123 था यह ऑब्लीगेशन था किसी मैन के ऊपर टू प्रोवाइड फॉर हिज वाइफ ड्यूरिंग मैरिज एंड आफ्टर डिवोर्स एज वेल तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच में और सेक्शन 123 ऑफ सी के बीच में अब कोर्ट को ये डिसाइड करना था कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि क्या ये सेक्शन 123 अप्लाई किया जाए ठीक है जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में यही बताया गया है कि हस्बैंड को सिर्फ मेंटेनेंस कितनी पीरियड तक के लिए देना होता है इद्दत पीरियड के लिए इद्दत पीरियड इज देर इज अ टाइम ऑफ टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड और ये सरकमस्टांशियल होता है ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड वेटिंग पीरियड है कि अगर आप डिवोर्स देते हो किसी महिला को तो एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आप उनको मेंटेनेंस देते हो एंड आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू गिव हर मेंटेनेंस दिस इज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ नाउ बिकॉज दिस इ्दत पीरियड इज सर्कमस्टेंशियल एंड खान साहब सेट कि मैं तो इनको नहीं दूंगा कंपनसेशन इवन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सपोर्टेड हिम एंड स्टेटेड कि आप उन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर है क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत हम ये सब कानून कर रहे हैं ठीक है बट हेयर इन दिस केस लैंडमार्क केस फाइव जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो होगा वो अप्लाई होगा तो हम फंडामेंटल राइट right से नहीं अभी इसको लड़ा रहे हैं वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपनसेशन पोर्शन और मेंटेनेंस पोर्शन एंड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैेक्ट शी शुड गेट मेंटेनेंस इनफैक्ट हाईकोर्ट ने जितना इनको मेंटेनेंस दिया था high court had also granted her maintenance. है appeal किया गया था by Khan साहब And सुप्रीम कोर्ट इवन इंक्रीज दैट मेंटेनेंस अमाउंट ठीक है और बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं था लेकिन फिर भी इट इंक्रीज द मेंटेनेंस ऑफ सम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंपोर्टेंटली ये कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर देना चाहिए और उस वक्त जज कौन थे जानते हैं प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड जी के जस्टिस जी वाई चंद्रचूड के पिताजी जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ एंड ही सेड

वो बात करता है शायरा बानो केस में एंड अगेन आई विल एस्टैब्लिश द सेम थिंग दैट इवन इन शायरा बानो केस और द केस जिसको हम ट्रिपल तलाक केस के नाम से जानते हैं इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी नार्सो आपा वाली केस को रिटर्न करने के लिए नहीं या रिवर्स uh, करने के लिए नहीं माना दे डिड नॉट गो इन टू द रिवर्सल ऑफ दैट जजमेंट देन यू विल से हाउ डिड दिस हैपन सबसे पहले तो केस क्या है केस इज़ अबाउट इंस्टेंट तलाक जिसको तलाक के बिदत भी कहते हैं और ट्रिपल तलाक भी कहते हैं अब शायरा बानो केस के अंदर सबसे पहली बात तो ये देखनी थी कि क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है एंड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर तो आपकी रिलीजियस डिनोमिनेशन आपकी रिलीजियस कम्युनिटी की कोई प्रैक्टिस है कोई रिचुअल है उसे अगर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी एसेंशियल मानती है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानती है तब तब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज अंडर आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 यू you नो know, आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव को इंडिविजुअल एज वेल एज डिनोमिनेशन को ये फंडामेंटल अधिकार होता है फंडामेंटल राइट right होता है कि वो अपनी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है अब दूसरी चीज जो दूसरा जो सवाल आता है वो ये कि क्या ट्रिपल तलाक फंडामेंटल राइट्स के अंडर वायलेट करता है नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन इज कंट्रोवर्शियल व्हाई? बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल लॉ अगर पर्सनल लॉ की हम बात करते हैं तो पर्सनल लॉ के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं उसको हम इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो फिर ये कैसे जजमेंट आ गई इसके दो कारण हैं एक इट माइट नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ बट इट कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ लॉज इन फोर्स ये दो शब्द थे और मैं इसे दोबारा लेके आना चाहता हूं आपके फर्स्ट स्लाइड पे सॉरी आपकी जो आर्टिकल थर्टीन वाली स्लाइड थी आर्टिकल थर्टीन में हमने ये देखा था दैट लॉज इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर और कंप्यूटेंट अथॉरिटी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ दिस लॉ जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं यहां पे यहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का है यानी नाइनटीन थर्टी सेवन का है तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ इन फोर्स दैट मीन्स यू कैन होल्ड दैट दिस लॉ वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स आप इसको चेक कर सकते हो और इसका रिव्यू कर सकते हो कि ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को नहीं दूसरी चीज दूसरी चीज ये जो ट्रिपल तलाक है सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑब्जर्व किया कि सर ये तो कुरान का हिस्सा ही नहीं है यानी जो आपका रिलीजियस टेक्स्ट है जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट है उसके अंदर इसके ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया गया है इसका मतलब ये आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड रीजन एज वेल द कोर्ट कुड ईजिली से द कोर्ट कुड ईजिली से दैट दिस प्रैक्टिस आर्बिट्ररी ये प्रैक्टिस आर्बिट्ररी है इसका कोई थियोलॉजिकल बेसिस भी नहीं है थियोलॉजिकल मतलब किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर भी इसका बेसिस नहीं है इस वजह से सिर्फ इस तलाक बिद्दत प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कह दिया कि तलाक इज ए अनकिट्यूशनल प्रैक्टिस दैट मींस थियोलॉजी के अंदर भी रिलीजियस के को स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि यह एक आर्बिट्ररी प्रैक्टिस है जिसमें एक मुस्लिम मैन को अपनी वाइफ को डिवोर्स देने की आर्बिट्ररी पावर दी गई है और इसीलिए इसे वोलेटिव भी ठहराया जा सकता है अंडर आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी व्हाई बिकॉज इट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉज इन फोर्स ये जैसा मैंने आपको बताया सो इट इज ओनली दिस पोर्शन इज पार्ट ऑफ लॉज इन फोर्स एंड दैट इज वाई इट वॉज डिक्लेयर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो दोस्तों ये पर्सनल लॉज और फंडामेंटल राइट्स के बीच की जो लड़ाई है ना ये आगे भी देखने को मिलेगी इसलिए ये केसेस और इनके प्रेसिडेंट आपको आगे भी हेल्प करेंगे इफ़ यू वांट कि मैं यूसीसी के ऊपर डिटेल वीडियो डिस्कस करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा खैर अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियस कैंडिडेट हैं सीरियस कैंडिडेट हैं और 2023 या 24 में यू पी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपको टेस्ट सीरीज हमारी यूपीएससी जनरल स्टडीज मेंस की टेस्ट सीरीज एट थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज में अवेल हो जाएगी एंड दिस इज अ वेरी वेरी रीज़नेबल कॉस्ट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है आपको आठ सेक्शनल टेस्ट चार फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा उसके साथ साथ मॉडल आंसर्स की पीडीएफ तो हर जगह मिलती है तो यहाँ पे भी मिलेगी ही बट वो मॉडल आंसर्स केटर किए जाएंगे यूपीएससी पी के डिमांड के हिसाब से नॉट जस्ट जनरल टॉक और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं 250 फिफ्टी वर्ड्स में आपको आंसर दूंगा आपको डिटेल्ड आंसर दूंगा ताकि आपको ये जानकारी भी मिले कि किस तरीके से आंसर को मैं वैल्यूडेशन करनी है इसके अलावा एस और एथिक्स की मास्टर क्लास एंड हमारे लाइव आंसर राइटिंग बैच का फ्री एक्सेस आपको इस कोर्स के साथ मिल जाएगा सो so, हमारी मेल आई डी मेल नंबर्स एंड मेल आई डी पर ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगली बार तक के लिए धन्यवाद एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम